स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 इंटू 10 का माइनस 3 केल्विन इनवर्स। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ये जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था, तो इसमें हमने देखा था कि हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड्स को, तो उनमें एक्सपेंशन का जो है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसमें एक्सपेंशन दो तरह की होती है, एक हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा तो हम उसको लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे, लेकिन अगर तीनों डायमेंशन में, यानी कि उसकी लेंथ, वेथ और हाइट तीनों में चेंज आएगा, तो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाती है। और अगर हीट जब प्रोवाइड करने की वजह से जो एक्सपेंशन होती है, उसको हम जो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। अब इस केस में स्टूडेंट्स, हमारे पास जो केस है उसमें हमने एक बैलून लिया है, ठीक है। यहाँ मैं एक बैलून आपको बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक बैलून है स्टूडेंट्स, जिसका हमने जो है इसकी हमने वॉल्यूम जो हाँ मतलब कि थर्मल एक्सपेंशन जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, यानी कि इसके अंदर वॉल्यूम जो में जो इंक्रीज आया है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि इसको हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है। हीट की वजह से ये बैलून जो है वो एक्सपैंड हुआ है, और एक्सपैंड होके फॉर एग्जांपल इसकी शेप जो है, ये डॉटेड लाइन से मैं शो करने जा रही हूँ, ये कुछ इस तरह से बन गई है, ठीक है। यानी कि वो एक्सपैंड होके उसने ये शेप इख्तियार कर ली, सही। और आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है इसकी ऑल साइड्स हुई है, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि ये वॉल्यूम मेट्रिकली इसमें एक्सपेंशन आई है, यानी कि ये हर डायमेंशन से जो है इसमें इंक्रीज हुआ है, सिर्फ लेंथ से नहीं हुआ बल्कि हर साइड से इंक्रीज आया है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम इसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ओरिजिनल वॉल्यूम दिया गया है बैलून का एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि वी ओरिजिनल जो है वो हमारे पास कितना है, 1.2 मीटर्स क्यूब, ठीक है। और मीटर्स क्यूब हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है। और T1 टेम्परेचर, यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर था, वो हमारे पास कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, और हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपके पास वी जो फाइनल होगा वो आपने अननोन है, वो आपने कैलकुलेट करना है। और आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर जहाँ तक आप उसको लेके जा रहे हैं, वो आपके 40 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जब आपने हीट प्रोवाइड की इसको, तो आपने 40 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट अप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास थर्मल कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर जो है वो हमें गिवन है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 3.67 इंटू 10 के रस पावर माइनस 3 केल्विन इनवर्स गिवन है हमें, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम नोट कर रहे हैं, वो ये है कि जिस कोफी, अच्छा सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि कोफिशेंट का क्या मतलब है। कोफिशेंट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जिस रेट के साथ हमारे पास वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रही है, यानी कि जितना इंक्रीज आ रहा है, वो रेट जो है वो हमें बीटा शो कर रहा होता है। और आप देख सकते हैं उसका यूनिट जो है वो हमारे पास केल्विन इनवर्स है, और केल्विन हमारे पास जो है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। और यहाँ जो हमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया गया स्टूडेंट, वो सेल्सियस में दिया गया, तो हमें उसे कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। और केल्विन में कन्वर्ट हम किस तरह से कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम सेल्सियस टेम्परेचर को, यानी कि जो हमें सेंटीग्रेड में गिवन है, उसमें 273 एड अप कर देते हैं। ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है। तो मैं 15 प्लस 273 कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो मेरे पास केल्विन में आ जाएगा, और ये आंसर आता है 288 केल्विन, ठीक है। और इसी तरह मैं 40 सेल्सियस को भी जो है वो केल्विन में कन्वर्ट कर लूँगी, 40 प्लस 273 आंसर आ जाएगा 313 केल्विन, ठीक है। ये इस तरह से मैंने टेम्परेचर्स को भी जो है वो केल्विन में चेंज कर लिया। अब हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स, वो एसआई यूनिट में हमें गिवन है। अब वी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में, वो हमारे पास कुछ इस तरह था, वी इज इक्वल्स टू बी नॉट और 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स का फॉर्मूला है, जिसके जरिए हम जो है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एट वो गिवन टेम्परेचर, यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर है उसके ऊपर जो उसमें एक्सपेंशन आने की वजह से उसका जो वॉल्यूम बना था, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ शो करूँ, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ मैं
डार्क कलर शो कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था, और जो आफ्टर हमारे पास बना है वो हमारे पास वी बना है, ठीक है। तो ये वाला वॉल्यूम जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज नोन है। अब डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, डेल्टा टी जो स्टूडेंट हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, जो कि हमारे पास T2 - T1 के बराबर होगा, यानी कि इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 313 - 288, ठीक है। और आंसर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स 25 केल्विन। तो हमने डेल्टा टी जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब सब वैल्यूज जो है वो हम फॉर्मूला में इनपुट करेंगे, यानी कि वी इज इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी स्टूडेंट्स, 1.2, ठीक है। और ब्रैकेट है हमारे पास, और फिर उसमें 1 + 3.67 × 10⁻³ - 3 × 25, ठीक है। अच्छा अब अगर हम देखें, अच्छा अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ मैं दोबारा रेज करके यहाँ यूनिट्स भी डाल देती हूँ, ताकि ये चीज़ थोड़ी सी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। उससे अगर मैं यूनिट्स भी इनपुट कर दूँ तो आप देखेंगे कि इसका यूनिट जो है वो हमारे पास कितना है, केल्विन इनवर्स है, ठीक है। यानी कि 1/केल्विन है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 25 केल्विन से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि केल्विन इनवर्स, यानी कि केल्विन इनवर्स का क्या मतलब है, 1/K, ठीक है। 1/K जब हम इसके साथ K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ जो है 1 बच जाएगा, ठीक है। बताइए यूनिट्स में हमारे पास जो है ये यूनिट्स जो है ये आपस में दोनों कैंसिल अप हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो है यहाँ यूनिट्स क्या है, 1.2 m³ है, ठीक है। यहाँ भी यूनिट्स डाल देते हैं ताकि सारे यूनिट्स हम इनपुट कर सकें। यहाँ भी मैं यूनिट्स डालने लगी हूँ स्टूडेंट्स, 1.2 m³, ठीक है। अच्छा अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो अगर ये केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाता है तो यहाँ हमारे पास m³ बचता है, जो कि वॉल्यूम का यूनिट है, तो इसलिए आंसर में हमारे पास यहाँ m³ आएगा। अब अगर हम पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वी इज इक्वल्स टू 1.2 m³, और साथ हमारे पास ब्रैकेट है 1 + 1.67 × 10⁻³ को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो आप जो आप पावर वाली टर्म है उसको आप रहने दें, बल्कि ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता है 0.09175, ठीक है। अच्छा ये आपके पास, आपने इसको होल मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसमें आप एडअप कर दें 1, तो आपके पास आंसर आएगा 1.09175, ठीक है। जस्ट आपने 1 उसमें ऐड अप कर दिया। अब 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो 1.3101 m³ आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम, जो कि हम 40 °C पे जो है हम उसको देख रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 313 केल्विन पे जो हमारे पास उसका वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आई है वो हमारे पास इतनी आई है, 1.310 m³।